आंखें नहीं खुल रही यार ढंग से, इतनी धूप है, गर्मियां शुरू हो गई ऑस्ट्रेलिया में। अभी बारिश हो रही थी, अभी पूरी अच्छी तरह धूप आ गई है। तो हाँ जी भाई, क्या हाल है जी सबका? आज यार धूप बहुत ज्यादा है, और आज वैसे तो हमने शाम को काम पे जाना है, और अभी मैं जा रहा था बैंक जा रहे थे, तो इस करके मैं कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं आज भी। बाकी तुम्हारा भाई कल ही हेयर कट करा गया है देखो, तो फिर हाँ भाई अब चलते हैं बैंक। आपको सारा सिस्टम बताते हैं, मतलब कितने चार्जेस लगते हैं, आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो। पहले नहाना पड़ेगा फिर जाएगी, क्योंकि फिर आगे काम पे भी जाना है ना बाद में लेट ना हो जाए, इसलिए तब तक अब नहा के आते हैं फिर आगे बात करते हैं। चार बज गए, मैंने 5 बजे काम शुरू करना अपना, तो मैं गया, मैं फिर सोचता हूँ आपको साथ साथ बैंक घुमा देते हैं, फिर बता भी देंगे रास्ते में, और साथ में फिर उसके बाद काम पे चले जाएगा। अगर कुछ समझाना होगा तो आके समझ देते हैं, क्योंकि तो भाई बारिश होने वाली है, फिर वापस मैं घर आऊँगा बैंक से। वैसे तो पास ही है बैंक, पर फिर भी क्यों रिस्क लेना भाई, काम का कपड़े पा के चलते हैं फिर बैंक, क्योंकि अब फिर यार लेट हो जाएगा वापस, मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं सोचा काम के कपड़े पा के चले जाए और आपको साथ साथ बैंक घुमा देते हैं, और थोड़ा बहुत समझा भी देगा कि स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट कौन से अच्छे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, आगे क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो आके आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। अब पिज़्ज़ा बनाने का टाइम है थोड़ा। बारिश शुरू हो गई यार, अभी धूप की अभी बारिश हो गई, बियर ग्लास गिरा, गानों में दिखते हो आपको रेड ग्लासेस, नेक्स्ट मिनट जैकेट बंद कर लो फिर, यस और बोल। तो भाई अभी या तो स्टेशन जाते हैं या बैंक, ट्रेन में देख लेता हूँ, जब ज़्यादा लेट आ रहा हूँ तो फिर स्टेशन, जे 5-10 मिनट है तो बैंक। बारिश बहुत तेज हो गई है, जिसे हम मेजर बारिश कह सकते हैं। ऐसे होते हैं, मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट, बारिश में काम पे जाना पड़ता है, वहां तो वह स्कूल की छुट्टी मार रहा अगर बारिश हो रही है, यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। तो हाँ जी भाई कह रहा यार, एक तो भाई बहुत निकलता है यार मेरे यहाँ बाहर, आज पूरी ठंड है, आज देखो स्वेट शर्ट पा रखी है तुम्हारे भाई ने, और क्या कहते हैं, हाँ तो यार उस दिन तो मैं मतलब कल तो मैं बैंक जा नहीं पाया क्योंकि बारिश हो गई थी, आज बैंक का हाफ डे था, तो जब तक हाफ डे होता है तब तक हम छुट्टी में उठते हैं। तो अभी फिर मैं आपको सारा कुछ ऐसे समझा देता हूँ कि यार बैंक का मैं आपको साथ साथ गेड़ा कभी और लगवा देंगे, पर अभी सारा कुछ समझाते हैं अकाउंट कैसे खुलवाते हैं भाई। सबसे पहले तो जब आप यहाँ आते हो आपके वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइक एक 2-3 तरह के, पहले हाँ पहले एक चीज फिर से, हाँ तो भाई वो 2-3 तरह के बैंक है यार, कॉमनवेल्थ बैंक मोस्टली एक, ANZ बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक है, पर मोस्टली ये 2 बैंक है जो लाइक जिसकी कोई स्टूडेंट की फीस नहीं होती, मतलब अकाउंट मेंटेन करने की फीस वो कोई फीस नहीं, और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा, लाइक 2-3% इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है आपको जब आप वहाँ पे अकाउंट्स में समय अकाउंट में आप वहाँ पे बहुत तरह के अकाउंट होते, सेविंग अकाउंट, रेगुलर अकाउंट, विड्रॉल अकाउंट, वो सब अलग अलग तरह के अकाउंट्स है, तो इंटरेस्ट रेट उन चीज़ों का अच्छा है इन बैंक्स में, और कोई फीस नहीं होती, और आपका मोस्टली लगता है एक तो आपसे वो पासपोर्ट लेते हैं, आपने जब पहले दिन आओ लैंड हो तो आप बैंक जाओ और वहाँ पे कहो कि अकाउंट खुलवाना, स्टूडेंट अकाउंट, खास स्टूडेंट अकाउंट बोलना, वैसे आपसे वो वीज़ा लेंगे, आपकी COE लेंगे और आपका पासपोर्ट लेंगे, बस ये 3 चीज़ें लेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा 24 आवर्स के अंदर, और कोई फीस नहीं होती, और आप और हाँ स्टूडेंटों को ये फायदा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी जो पे स्लिप्स है
उनसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, या एक और सिस्टम है आप इंडिया बैठे हुए अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं नीचे वेबसाइट डाल दूंगा उन बैंक्स की, और वहां पे आप इंडिया बैठे अकाउंट खुलवा सकते हो, पर उसका कोई यूज नहीं है। आके आपको फिर से बैंक जाना पड़ेगा, अपने वो पेपर्स या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। वो आपकी मर्जी, आपने इंडिया बैठे अकाउंट खुलवाना है या बैठे अकाउंट खुलवाना है, पर यहाँ पे अगर आप इंडिया बैठे खुलवाओगे तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा अकाउंट जब तक आप यहाँ लैंड नहीं करते और अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कराते। बाकी इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, 2-3% एनुअली इंटरेस्ट रेट मिलता है कॉमनवेल्थ बैंक में, और ANZ में भी इतना ही, क्योंकि मेरा भी अकाउंट कॉमनवेल्थ में ही है तो फिर मुझे पता है कॉमनवेल्थ के बारे में ज्यादा। बाकी ANZ की भी कोई फीस नहीं है, और जो छोटे छोटे बैंक है बैंक, और हाँ मोस्टली हाँ बहुत बैंक्स में ये भी स्कीम्स होती है भाई, लाइक एक वेस्टबैक बैंक है, एक सेंट जॉर्ज है और एक बेंडिगो बैंक है। हाँ मोस्टली इन बैंक्स में ये स्कीम्स, अगर आप इनमें अकाउंट खुलवाओगे और मिनिमम अमाउंट होता है $500 या समथिंग कुछ, अगर आप वो डिपॉजिट कराओगे उनके अकाउंट में तो आपको $50 रिटर्न कैश बैक मिलता है। मतलब वो स्कीम्स बहुत ज्यादा, हर 6 मंथ्स में नवी स्कीम्स आती है। मेरे को भी, मैंने भी एक बार ऐसे करवाया था, उसमें $50 कैश बैक आता है, किसी में $150 कैश बैक आता है, तो मतलब हाँ फायदा होता रहता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्कीम्स है भाई, ऐसी बात नहीं है, और क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे आप फीस भरो क्रेडिट कार्ड से, और ओवरड्राफ्ट भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आपके अकाउंट में $1 है और आपने चीज $2 की लेनी, तो लाइक हाँ आप खर्च सकते हो $2, वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में, वो आप बाद में डिपॉजिट करा सकते हैं। ये भी सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए, और भी बाकी भी बहुत सिस्टम्स है। बाकी ये मेन सिस्टम लाइक स्टूडेंट फीस कुछ नहीं होती, और तो वो यही खास है। बाकी मेन बैंक थे जो कॉमनवेल्थ बैंक, ANZ बैंक, वेस्टपैक, ये 3-4 बैंक है जिनकी कोई फीस नहीं है स्टूडेंट फीस मेंटेन करने के अकाउंट्स। बाकी जो इधर सेंट जॉर्ज बैंक, इनके लाइक $50 मंथली या नहीं एनुअली, शायद 150 एनुअली उनकी फीस है, तो उसमें क्या फायदा, और उसमें वो भी रेट है, इंटरेस्ट रेट भी कम, तो फिर फायदे वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको सबको। और तो बाकी यही मेन था, और बाकी आपको यार जरूर बैंक घुमाएंगे। आज भी बारिश वाला मौसम है, तभी मैं अंदर कर रहा हूँ, बाहर बहुत ज्यादा हवा चलती है। इंस्टाग्राम पे शेयर कर लो बस, अगले या इस हफ्ते या अगले हफ्ते वो एक Q&A सेशन कर रहा हूँ मैं, तो फिर इसलिए जरूर इंस्टाग्राम पे शेयर कर लो, सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली बार बहुतों के मिस हो गए थे, पर इस बार ज्यादा ज्यादा सॉल्व करेंगे। और हाँ मेरे ख्याल से यार अब लाइक बॉर्डर्स भी जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि मेलबर्न वाली साइड भी लॉकडाउन पूरा खुल चुका है अब, और NSW क्वींसलैंड वाली साइड तो सारा कुछ सेफ था पहले से। बाकी होप करते हैं यार कि बॉर्डर्स जल्दी खुले, स्टूडेंट्स आए, हम भी जल्दी इंडिया जाए, बहुत टाइम हो गया। यार मैं डेबिट कार्ड का बताना भूल गया था, डेबिट कार्ड आपके घर ही आ जाता सारा कुछ, उससे आप परचेज करो, और यहाँ पे मतलब कैश बहुत कम ही चलता है, सारे बैंक डेबिट कार्ड से सारा कुछ परचेज करते हैं। और आप हाँ लॉक भी कर सकते हो डेबिट कार्ड इन केस आपका गुम हो जाए, और अगर आप $100 से पर ट्रांजेक्शन करोगे तो वो पासवर्ड मांगते हैं, तो ये क्या बात थी यार बताने की। और हाँ, और हर बैंक के अपने अपने ऐप्स होते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग ही चलती है यहाँ पे, बैंक तो मतलब बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये तो ना बोले थे इसलिए ऐड किया पॉइंट। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, होप कि यार आपको पसंद आएगी, तब तक सारे अपना ध्यान रखो, ओके।